नए साल की शुरुआत करने से पहले हमने सोचा क्यों ना जहाँ हम रहते हैं उस जगह के बारे में कुछ और जाना जाए। तो हमने सोचा कि ये 31st को क्यों ना वॉकिंग टूर लिया जाए। अभी हमारा टूर स्टार्ट हो गया है एंड हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स आर फर्स्ट स्टॉप एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द टूर एंड यहाँ पे ही मेनली ये जूश क्वार्टर्स थे। क्रैकोव पोलैंड का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है। इस शहर में एक डिस्ट्रिक्ट है काशीमिराज, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक टाइम पे ये दो अलग सिटीज थे। किंग काश्मीर थर्ड ने काशीमिराज को फॉर्म किया इन द 14th सेंचुरी। क्रैकोव में एक बड़े फायर के कारण सारे ज्यूइश कम्युनिटी को यहाँ सेटल होने की परमिशन मिली थी। यही मेजॉरिटी ऑफ ज्यूज रहते थे। दे यूज टू बी मर्चेंट्स, बैंकर्स, हैड ओन शॉप्स, रेस्टोरेंट्स। दे वर वेरी रिलीजियस एंड उन्होंने यहाँ काफ़ी सिनेगॉग्स भी बनाए जो आज भी आपको यहाँ देखने मिलता है। बट उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई जैसे ही नाजी का इन्वेशन हुआ था। क्रैकोव में कुछ 50,000 ज्यूज रहते थे जिन्हें एक्सपेल कर दिया था। कुछ 15,000 को 1941 में क्रैकोव से निकाल कर एक छोटे से जगह पॉडगोरेज में शिफ्ट कर दिया था। Many people were sent to Auschwitz camp and were tortured. अगर आप क्रैकोव आ रहे हैं तो आप one of the places to visit is Auschwitz camp. But we recommend कि आप यहाँ का guided tour लें। लेकिन इन्हीं लोगों में से एक ऑस्कर शिंडलर भी थे जिन्होंने हजार लोगों की जान बचाई। इनकी भी हिस्ट्री आप शिंडलर फैक्ट्री टूर लेके जा सकते हैं। हम लोग आपको शिंडलर फैक्ट्री का guided tour भी recommend करते हैं। ये टूर करके हमें कुछ नया जानने एंड सीखने मिला। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपने पिछले साल क्या ज़रूरी चीज़ सीखी थी और ये साल में आप कौन सी जगह देखना चाहते हैं। हम आपको यहाँ आकर यहाँ की हिस्ट्री एंड कल्चर देखने ज़रूर रिकमेंड करेंगे। कैसा लगा टूर? वेरी नाइस। यू एंजॉयड क्रैकोव एंड काशीमिराज? यस। कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप जहाँ रहो वहाँ के आप उसके बारे में जानो, बिकॉज कितनी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी। तो इट वॉज़ अ गुड टूर, बहुत सारी चीज़ें पता चली, नॉट ओनली अबाउट क्रैको बट मेनली अबाउट काशीमिराज एंड द ज्यूस जो एंड ऑल्सो जो आपको पता होगा द शिमिशन फैक्ट्री, तो उसके बारे में एंड द बैकग्राउंड ऑफ इट। इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। पीपल हैव गॉन क्रेजी, दिस इज द क्राउड एंड देयर इज नो स्पेस टू गेट इन द ट्रेन। चलो कैब करते हैं। अभी वापस आ रहे घर हम लोग। सो वी हैव रीच्ड वत्सला एंड एज यू कैन सी द रश, नंबर ऑफ पीपल गोइंग एंड कमिंग, इट्स टू क्राउडेड, इट्स सो मच एंड फायर क्रैकर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड आई हैव नेवर सीन दिस मच ऑफ क्राउड इन क्रैकोव। ऐसा लग रहा है पूरा क्रैकोव जग गया है। यस, सीम्स लाइक पूरा क्रैकोव उठ के आ गया इधर एंड सेंटर पे। सेंटर पे भी वाइब अलग थी, हम गए थे बट वी कुडंट गो इन बिकॉज वी हैड टू कम हियर एंड हमारी ट्रैम मिस हो गई तो वी टुक अ कैब। सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम एंड 10 मिनट बचे अभी न्यू ईयर के लिए एंड यू कैन सी द क्राउड। सो इट्स 6 मिनट्स नाउ एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द सेलिब्रेशन। क्राउड बहुत ज़्यादा है। Let's see what happens at the end. So it's happy new year guys, it's all 12 now and you can see so many crackers, it has lit up the sky definitely and everyone has taken out their mobiles trying to capture this moment. It's crazy night and we are having fun. Crackers and people are singing, enjoying, opening champagne bottles. This is magical. So many crackers everywhere. And you can see over there, that is Krakow balloon, and you can see the dragon as well, adding the charm to the celebrations. Kajal,
Was it a good decision to stay? Yes. Very good decision. I like it, bro. We had fun. We'll come back to you all in a moment. So as you can see, the firecracker is not stopping at all. So it's cold and you can see the vibe. People have started moving back. It's 12:15 now and that's Wawel. And we also will head back now. Wish you all a very happy new year. And we are just back now. And काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया. कैब मिलने में थोड़ा लेट हुई बट हम पहुँच गए. एंड इट्स टू कोल्ड, इट्स अराउंड 2 degrees एंड फील्स लाइक -2. इट्स फ्रीजिंग एंड वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन अ बल्कनी बिकॉज पीपल आर स्टिल सेलिब्रेटिंग, पीपल आर स्टिल बर्स्टिंग क्रैकर्स समवेयर नियर बाय. सो यस, सो दैट्स हाउ वी एंजॉयड आर न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन क्रैकोव. And hope you liked it. And do subscribe to our channel. Yes. And do like the video. And hope this new year brings more success and prosperity in your life. May God bless you. And hopefully आपका साल 2023 बहुत अच्छा गया हो. And हमारे लिए हमने YouTube की जर्नी शुरू की in 2023. And we also hit 1,000 followers on Instagram, which was a huge thing for us. So thank you for supporting us and liking our videos throughout this journey. And we hope कि आपको हम लोग अच्छा content दे पाए इस new year भी. And yes, see you around. And thank you for watching. And happy new year. Bye bye.